शरई फैसला कमेटी विदा करेंगे। शरई फैसला कमेटी का क़याम सन 1995 में अमल में आया। ये कमेटी कुछ जमाती है जिसके अंदर कुछ जमाती जो है ज़िम्मेदारों की खदमात इसको हासिल है। इस कमेटी के पहले अमीर मौलाना बरकतुल्ला खान साहब कासमी रहमतुल्लाह रहे। इसके अलावा जनाब मौलाना अब्दुल लतीफ़ी साहब, जनाब कारी नामतुल्ला साहब, जनाब कारी महमूद हसन साहब, जनाब मीर इकराम अली साहब वगैरह की खदमात इस कमेटी को हासिल रही है। उस वक्त से आज तक ये कमेटी मुसलमानों के जो पर्सनल मैटर हैं, निज़ात हैं, मियाँ बीवी के झगड़े और इसी तरीके से तरके की तकसीम के मामलात कुरान हदीस की रोशनी में हल किए जाते हैं। और इसका मकसद यही है कि कुरान सुन्नत के मुताबिक जो है इसके क़याम का मकसद यही है कि कुरान सुन्नत के मुताबिक यहाँ शरई मसले हल हों, निज़ात जो है सही शरई हल निकले। लिहाजा मैं मुसलमानाने करीम नगर से दरख्वास्त और अपील करता हूँ कि अपने निज़ात को, अपने जो है पर्सनल मैटर को, मियाँ बीवी के झगड़े हों या तरके से मुतालिक हों, सिविल जितने भी जो है मुकदमात हैं, इस कमेटी से रुजू होकर कुरान व सुन्नत की रोशनी में हल करवाने की फ़िक्र करें, कोशिश करें ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और कुरान सुन्नत के मुताबिक हमारे मसाइल हल हो सके। उम्मीद के मुसलमानाने करीम नगर इसकी तारीफ तवज्जो देकर कमेटी से रुजू होकर अपने मसाइल को हल करने की फ़िक्र और कोशिश करें। अस्सलाम। माइक लेके मैं ख्वाजा अली मद्दी निज़ामी बियाबानी, नायब अमीर शरई फैसला कमेटी करीमनगर। अल्हम्दुलिल्लाह शरई फैसला कमेटी में यहाँ पर मुसलमानों में जो मसाइल है, पर्सनल मसाइल, इख्तलाफात मियाँ बीवी के और दीगर मसाइल को यहाँ पर हल किया जाता है और सुलह करवाई जाती है और कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूक़ बताए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरई फैसला कमेटी रोज़ाना अपने खिदमत अंजाम देती है और रोज़ाना 11 बजे तक, 1 बजे तक ऑफिस टाइम होता है इसका और जुमा के दिन तातील रहती है। और ये पंचायत जो बैठती है, उलमा इकराम जो कुल जमाती उलमा यहाँ पर बैठकर लोगों के मसाइल को सुनते हैं, वो महीने में 2 मरतबे या 3 मरतबे होता है, यानी दूसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता, ये यानी 2 मरतबे पंचायत बैठती है, पूरे मसालिक के उलमा बैठते हैं और उनके सब लोगों के मसाइल को सुनते हैं, फिर उन मसलों को हल करते हैं। लिहाजा मैं करीमनगर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने आपसी खलीशें और अपने मसाइल और अपने इख्तलाफात को बहरहाल दिगर जगहों पर ना ले जाएं, ऐसी फैसला कमेटियों के पास आएं ताकि आपको जो मालूमात नहीं है वो मालूम भी हो जाएं और आपसी रंजिशें दूर हो जाएं। लिहाजा इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन।